मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही थी कि आखिरकार एक मंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरी कैबिनेट और सीएम क्वारंटाइन क्यों नहीं हुए। अब एक बार फिर कांग्रेस के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री पी शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। आपने तो कहा भी था कि बाकी जो संपर्क में आए थे वो लोग, मैंने कहा था कि अरविंद भदौरिया जी कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट में भी गए, मुख्यमंत्री से ही मिले, अधिकारियों से मिले और वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को और बाकी जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं और जो मंत्रियों से उनकी वन टू वन हुई, इन सबको कोरोना टेस्ट करा के क्वारंटाइन होना चाहिए, ये मैंने कहा था। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो उनका और फिर स्वस्थ होकर अपना काम संभालें। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 3 गज की दूरी, वो 3 गज की दूरी अगर अपनाई गई होती, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति नहीं बनती। और इससे एक चीज़ और सिद्ध हो रही है कि मध्य प्रदेश में जब 16 मार्च को ये कहा गया था प्रजापति जी अध्यक्ष द्वारा कि कोरोना फैल रहा है, राहुल गांधी ने उधर जनवरी में कह दिया था, उसका मजाक उड़ाया गया, कोरोना नहीं, डरोना है। इसी कोरोना में सरकार बनी, इसी में सब मंत्रिमंडल, इसी में विभाग बंटवारी सब इसमें चलते हैं। कोरोना से लड़ाई हमने लड़ा, कोरोना की लड़ाई में मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव, ये सिद्ध हो गया है कि हम कोरोना से लड़ाई में फेल हो गए हैं, मध्य प्रदेश फेल हो गया। अच्छा, एक बड़ी वजह है कि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई, इसके बाद शाम को रात होते रहते पॉजिटिव मंत्री आए, लेकिन अगले दिन फिर 23 तारीख को बैठक होती रही, मंटू में चर्चा सीएम ने की और इसके बाद 23 तारीख को आपकी के कांग्रेस के विधायक जो थी थे उनको भी शपथ दिलाने के लिए बीजेपी कार्यालय गए, तो क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए इन सब बातों का, आम जनता को तो लॉकडाउन से उन्हें घर रहो, लेकिन इनको अपने जो राजनीतिक मुद्दे सिद्ध करना था उसके लिए बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस के विधायक तोड़ के मीटिंग भी हो रही है, सभाएं भी हो रही हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, वो सब करते रहे। उसका प्रतिफल ये है कि आज मुख्यमंत्री को क्वारंटाइन होना पड़ा है, कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये संदेश बहुत गलत पूरे देश को जा रहा है। मंत्रालय में बैठक हुई थी, क्या अपील करेंगे मंत्रालय में? मैंने तो कहा कि जितने मंत्री हैं वो सब वो करें, जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे वो सब टेस्ट कराएं, वो पूरा क्वारंटाइन किया जाए। मंत्रालय को तो बंद कर देना चाहिए, अभी जो 10 दिन है लॉकडाउन के, इसमें मंत्रालय भी बंद कर देंगे पूरे टेस्ट जी। तो साफ तौर पर कांग्रेस में मंत्री रहे पी सी शर्मा, उनका कहना है कि एक बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो मंत्रालय में बैठे क्यों हुई थी, इसलिए मंत्रालय को भी बाकी किया जाए, बाकी जो संपर्क में आए थे मंत्री हों उन सभी को क्वारंटाइन होना चाहिए, और इसे एक बड़ी लापरवाही मानते हुए यहाँ पर खुद सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।